इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिलेट वेल्ड स्टार्ट कर दिया था, बट वेल्ड हमने पढ़ लिया था, बट वेल्ड के स्पेसिफिकेशन भी हमने पढ़ लिए थे। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि थोड़ा अगर हम फास्टनर्स की बात करें तो वेल्डिंग, देखो जितना टाइम हमें यूनिट नंबर वन में लग रहा है, लाइक अभी अगर मैं बात करूँ अभी हमें फास्टनर्स में टाइम लग रहा है, क्योंकि फास्टनर्स में थोड़ा टाइम लगता है। एक तो से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और क्वेश्चंस आने के बाद थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर मैं फास्टनर्स की बात करूँ तो वेल्डिंग से बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या सर हमारी दूसरी यूनिट्स में भी इतना टाइम लगेगा, नहीं उसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला, बट थोड़ा सा फास्टनर्स में से डिटेल से क्वेश्चन पूछ लेता है तो फास्टनर्स में हमें टाइम लग रहा है। अगर मैं लाइक टेंशन मेंबर की बात करूँ, कंप्रेशन मेंबर की बात करूँ, प्लास्टिक एनालिसिस की बात करूँ, तो उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ यूनिट नंबर वन में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। फिलेट वेल्ड के स्पेसिफिकेशन हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, हमने फिलेट वेल्ड का साइज पढ़ लिया था। फिलेट वेल्ड का साइज इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि साइज क्या होता है, किस तरीके से हम फिलेट वेल्ड का साइज डिफाइन करते हैं, किससे करते हैं, लेग लेंथ से करते हैं, मिनिमम लेग लेंथ से हम फिलेट वेल्ड को साइज को डिफाइन करते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज अभी इसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और टाइम हमें बचाना है। ठीक है, लास्ट में हमने क्या छोड़ा था भाई, देखो जो मिनिमम लेग लेंथ होता है, लाइक अगर आप भी देख सकते हो फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड में जनरली 90 डिग्री का, मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा 90 का बनता है, बट हाँ कुछ ना कुछ एंगल पे होता है। जैसे बट वेल्ड में क्या होता है, बट वेल्ड में तो एंड टू एंड होता है, फिलेट वेल्ड में लाइक कोई मेंबर है तो उसका कुछ ना कुछ एंगल होता है, लाइक यहाँ पर 70 डिग्री हो गया है ना, 90 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया, तो फिलेट वेल्ड में कुछ ना कुछ एंगल होता है मेंबर्स के बीच में, बट वेल्ड तो एंड टू एंड होते हैं। साइज में हमने क्या पढ़ा था कि जो मिनिमम लेग लेंथ होती है उसी को हम साइज मानते हैं, जो मिनिमम लेंथ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे आपने वेल्ड करा, एक लेग लेंथ ये है, एक लेग लेंथ ये है, जो इसमें से मिनिमम होगी उसी को हम लेग लेंथ करते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों की, अगर दोनों इक्वल है तो कोई इश्यू नहीं है, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, दोनों इक्वल है तो ये इसका साइज बन जाता है। और अगर एक छोटी एक बड़ी है तो हम कौन सी लेते हैं, मिनिमम वाली। अब दूसरा हमने क्या करते हैं, डीप पेनिट्रेशन। डीप पेनिट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कभी कभार वेल्ड मेंबर के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, तो इसमें अगर था, पहली बात देखो आप देखोगे तो यहाँ पर मेंबर ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर रहा मेंबर के अंदर, बट यहाँ पर जो आप यहां से देखोगे, मैं दिखा देता हूं, यहां पर आपका जो मेंबर है इसको हम बोलते हैं डीप पेनिट्रेशन। ये वेल्डिंग यहां पर मेंबर के अंदर बहुत डीप पेनिट्रेट करेगी। तो इस केस में अगर मैं साइज की बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, हल्का सा रिवीजन कर रहा हूं। देखो यहां पर वेल्डिंग ने डीप पेनिट्रेशन नहीं करा, यहां पर भी डीप पेनिट्रेशन नहीं करा, तो जो भी मिनिमम लेग लेंथ थी वो हमने साइज ले ली। बट अगर मेंबर के अंदर डीप पेनिट्रेशन है तो इस केस में हम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या लेते हैं, मिनिमम लेग लेंथ प्लस 2.4 mm। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये फिलेट वेल्ड है और यहां पर जो वेल्ड है इसका डीप पेनिट्रेशन हो रहा है, मतलब जो मेंबर है इसके बहुत ज्यादा अंदर ये है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, मिनिमम लेग लेंथ, अगर हमें साइज डिफाइन करनी हो, हमें अगर फिलेट वेल्ड की साइज डिफाइन करनी हो तो जो भी मिनिमम लेग लेंथ होगी, जो भी आपकी मिनिमम लेग लेंथ है, मिनिमम लेग लेंथ प्लस 2.4 mm। तो ये साइज तो हमने डिस्कस कर लिया था, अब मैं अपना आगे का टॉपिक चालू कर रहा हूं। फिलेट वेल्ड के स्पेसिफिक जो पूछ रहा हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी बात मान लेना, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं पूरा ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलकर आएगा ही आएगा, इसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलकर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने साइज के बारे में डिस्कस कर लिया था, यहां पर आपका साइज खत्म हो जाता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके यहाँ पर साइज पर छोड़ा था, जो कि यहाँ पर खत्म हो जाता है। साइज हम डिस्कस कर चुके हैं, साइज एंड सी है, ठीक है। अब अगर हम साइज की बातें कर रहे हैं, हमने अभी देखा मिनिमम लेग लेंथ, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फिलेट वेल्ड की साइज किससे डिफाइंड होती है, तो आपने बोला सर फिलेट वेल्ड की साइज जो डिफाइंड होती है वो डिफाइंड होती है उसकी लेग लेंथ से। अब कुछ ना कुछ लेग लेंथ का मिनिमम क्राइटेरिया भी होगा, जैसे हमने तो यहाँ पर आपको बस मैंने लेग लेंथ बता दी, लेग लेंथ क्या है, लेग लेंथ क्या है, बट कुछ ना कुछ मिनिमम भी तो आपको साइज रखनी पड़ेगी वेल्डिंग की। तो आप ध्यान से देखना कि अगर हम मिनिमम वेल्डिंग की बात करें कि मिनिमम की मिनिमम साइज क्या हो, फिलेट वेल्ड की मिनिमम साइज होना चाहिए शुड नॉट बी लेस देन 3 mm। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहा कि अगर मैं आपसे बात करूं कि फिलेट वेल्ड की जो साइज होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, फिलेट वेल्ड की जो साइज होनी चाहिए वो कम से कम 3 mm होनी चाहिए, और कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसा थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट। आप दो मेंबर ज्वाइन कर रहे हो, अगर इधर भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर हम
दो मेंबर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी, या तो दोनों की थिकनेस बराबर हो या दोनों की थिकनेस अलग अलग हो। तो अगर हम फिलेट वेल्ड की बात करते हैं तो उसमें अगर जो आप वेल्ड करोगे, फिलेट वेल्ड में जो आप वेल्ड करोगे उसका साइज कभी भी 3 mm से ज्यादा लेना चाहिए, और कभी भी जो दो मेंबर्स आपने ज्वाइन करे अगर दोनों की थिकनेस बराबर है तो चलता है, पर एक ही कम है एक की ज्यादा है तो कभी भी हमारी साइज, अगर आप ध्यान से देखो भाई यहाँ पर मेंबर की कुछ थिकनेस है तो मेंबर की थिक जो भी हम मान लो आपने दो मेंबर ज्वाइन करे, देखो ध्यान से देखना, आपने दो मेंबर ज्वाइन करे या आपने दो मेंबर ज्वाइन करे, फ्लैट वेल्ड है तो कुछ ना कुछ एंगल होगा दोनों मेंबर्स के बीच में, इस एंगल की भी एक वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि सर 0, 1, 2, 3 नहीं है, इसके वैल्यू मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो दोनों मेंबर्स के बीच में एंगल होगा ना फिलेट वेल्ड, एक एंगल है उस एंगल पे हम फिलेट वेल्ड कर सकते हैं, लाइक 120 डिग्री से ज्यादा नहीं कर सकते आप। अगर दो मेंबर्स में 120 डिग्री एंगल है तो आप फिलेट वेल्ड को कभी भी यूज नहीं कर सकते हो कभी भी, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है। तो जो फिलेट वेल्ड हम यूज कर रहे हैं उसका साइज कभी भी 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर दो मेंबर से एक की थिकनेस T1 है एक की थिकनेस T2 है, मान लो T2 स्मॉलर थिकनेस है, लेसर कम थिकनेस है तो जो साइज होगा फिलेट वेल्ड का वो कभी भी T2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब दो मेंबर्स आपने ज्वाइन कर रहे हैं एक की थिकनेस कम है तो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कभी भी थिनेस्ट मेंबर जो जो पतला मेंबर है दोनों में से उसकी थिकनेस से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आपको एक एक चीज ध्यान से लेनी पड़ेगी, आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके भेजे के अंदर चल जाए, फिलेट वेल्ड का साइज कभी भी 3 mm से छोटा नहीं होता। प्लस उसके बाद अगर आपने दो मेंबर्स ज्वाइन करें तो अभी तो हमने छोटे की बात करी, अगर हम बड़े की बात कर रहे हैं तो जो भी दोनों में से थिन, मान लो ये थिक मेंबर है थिन मेंबर है, तो इस मेंबर की थिकनेस से ज्यादा कभी भी साइज नहीं होता ठीक है। जब मैं आपको बट वेल्ड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दो टाइप से वेल्डिंग पढ़ाई थी, किस पढ़ाई थी मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिए, अभी आप ध्यान से देखना, वो फोटो मैं इसमें लगाना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको दो फोटोग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखा ध्यान से, देखो ध्यान से देखना, ये दो आपके मेंबर्स हैं और इनके बीच में हमने करनी है फिलेट वेल्डिंग 90 डिग्री के ठीक है। अब ध्यान से देखना, वेल्डिंग कर रहा हूं मैं, देखो एक बार करी फिर दूसरी बार करी फिर तीसरी बार करी, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर मैंने डिफरेंट नंबर ऑफ रन्स में आपने क्या देखा, पहले मैंने देखो मुझे यहां पे वेल्डिंग करनी थी तो मैंने क्या करा, एक बार करी फिर दूसरी बार करी फिर तीसरी बार करी, तीन लेयर में, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ रन्स आपने जो वेल्डिंग कंप्लीट कर ली थी वो कितने रन्स कितनी बार में करी, पहले एक बार ली फिर दूसरी बार ली फिर तीसरी बार ली। दूसरा क्या हो सकता है कि आपके पास दो मेंबर है आपने एक बार में ही वेल्डिंग कर दी, आपने एक बार में वेल्डिंग मतलब सिंगल रन में ही आपने वेल्डिंग कर दी, इसमें आपको बार बार अलग अलग लेयर्स में या रन्स में करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार में ही आपने वेल्डिंग कर दी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये आपने एक बार में कर दी, इसको हम बोलते हैं सिंगल रन, मतलब एक बार में ही कर दी। और दूसरे की बात करें तो आपने यहां पे डिफरेंट नंबर ऑफ रन, अगर मैं बोलूं कितनी बार में करी तो आपने तीन बार में कंप्लीट करी, तो यहां पे नंबर ऑफ रन कितने हो गए, तीन, इसमें नंबर ऑफ रन कितना है 1, एक बार में वेल्डिंग कर दी और उसमें क्या है आपका, आपने डिफरेंट नंबर ऑफ रन में वेल्डिंग करी। अब देखना क्वेश्चन क्या होता है, होता क्या है कभी भी ऐसा है कि अगर आप यहां पर हम नंबर ऑफ रन की बात करें तो यहां पर सबसे पहला रन रहा फर्स्ट रन, ध्यान से देखना, फिर उसके बाद आपका सेकंड रन करा और फिर उसके बाद आपने आपने थर्ड रन करा, थर्ड रन, और यहां पर क्या हुआ एक रन में, एक बार नहीं फर्स्ट रन में आपने वेल्डिंग को कंप्लीट कर लिया। अब वो क्वेश्चन में आपसे जो फर्स्ट रन की डिटेल है ना, ये फर्स्ट रन चाहे वो डिफरेंट नंबर ऑफ रन में हुई हो या सिंगल रन में हुई हो, चाहे वेल्डिंग आपने डिफरेंट नंबर ऑफ रन्स में करी हो या एक ही बार में कर दी, वो आपसे हमेशा फर्स्ट रन की फिलेट वेल्ड साइज पूछेगा। जैसा कि इसके प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि हमारे वेल्डिंग का जो देखो द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड शैल नॉट बी लेस देन 3 mm नॉट मोर देन द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट, उसके आगे देखो द मिनिमम साइज ऑफ द फर्स्ट रन, क्या बोला इसने फर्स्ट रन
और अ सिंगल रन फिलेट वेल्ड शैल बी गिवन इन ए टेबल वन। आपको पता है कि मैं आपको आईएएस कोड से पढ़ा रहा हूँ, आपके पास पता होना चाहिए कि जो कंटेंट मैंने लगा रखा है ये पूरा कंटेंट आईएएस कोड का है, ये पूरा कंटेंट आईएएस कोड का है, ध्यान से देखना। मैं आपको आईएएस कोड से ही पढ़ा रहा हूँ, बुक्स के ऊपर जाते ही नहीं है, हम डायरेक्ट आईएएस कोड से ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आईएएस कोड के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, इसको मैं पूरा बैक कर रहा हूँ। अब हमें फर्स्ट रन, अब देखो ऊपर क्या लिखा है, मिनिमम साइज ऑफ फर्स्ट रन और ए सिंगल रन फिलेट वेल्ड। जो पहला रन होगा, अब वो चाहे आपने एक बार में कर दिया हो या बात टुकड़ों में कराओ, सिंगल रन में कर दिया हो या नंबर ऑफ रन में कराओ, वेल्ड की कुछ साइज होगी जो आपको मिनिमम मेंटेन करते हुए चलनी है। जैसा कि मैंने आपसे बात बोली कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हम क्या रखते हैं, तो आप बोलोगे सर मिनिमम 3 mm तो रखते हैं। अरे डिजाइनिंग के लिए हमेशा मिनिमम ही रखा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब ध्यान से देखना, उसके आगे का पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि हम थिकनेस ऑफ प्लेट से भी कंपेयर करते हैं। अब आप ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, आपने दो प्लेट लिए, आपने दो प्लेट लिए, ध्यान से देखना कहीं आप कंफ्यूज मत होना, 16वीं बार बोल रहा हूं, मिनिमम साइज क्या है 3 mm, मैक्सिमम क्या है कि जो भी पतली प्लेट है, एक थिकर प्लेट होगी एक थिनर प्लेट होगी, जो पतली वाली है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये टेबल जो होती है ये थिनर पे कंपेयर नहीं होती है, किस पर कंपेयर होती है, थिकर पर, थिकर मतलब मोटी प्लेट। अगर आपने दो प्लेट्स यूज करी है और उसमें से जो मोटी प्लेट है अगर वो 10 mm की है, ध्यान से देखना आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, आपने दो डिफरेंट प्लेट्स को या दो डिफरेंट मेंबर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करी है और उसमें से जो मोटी प्लेट है उसकी जो थिकनेस है वो 10 mm है, तो हम मिनिमम साइज ऑफ रन कितना देंगे, 3 mm। ये क्वेश्चन आता है टेरिस का टॉपिक सारे के सारे, और इसलिए बच्चा वेल्डिंग में घूमता है क्योंकि वेल्डिंग थोड़ा टिपिकल हो जाती है, वेल्डिंग थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, इसलिए बच्चा वेल्डिंग में कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपके पास दो मेंबर है, पहले वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको थिनर प्लेट बताया कि थिनर से ज्यादा लेनी चाहिए, यहां पर हम थिकर से कंपेयर कर रहे हैं, अगर आपकी मोटी वाली प्लेट 10 mm तक की है तो जो फर्स्ट रन होगा उसमें कितना होता है 3 mm, ध्यान से देखना कितना होता है आपका 3 mm। अब अगर हम बार आगे बार डिस्कस करें, ठीक है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने दो मेंबर्स को ज्वाइन करा, अब आपने दो मेंबर्स को ज्वाइन करा, अगर मोटी प्लेट 10 mm तक की है, ठीक है, अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने थिकर प्लेट से कंपेयर करा, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, अभी मैं थिनर पे भी आऊंगा। अब आपकी प्लेट की जो रेंज है वो 10 mm से, मान लो 15 mm की प्लेट है तो 10 से 11 mm की प्लेट है, वो 10 से 20 की रेंज की, तो उस केस में जो आपका फर्स्ट रन होगा वो होगा 5 mm। अगर आप याद रखना, मैं थिकर अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं धीरे थिनर पे भी आ जाऊंगा। यहां पर ये जो वैल्यू है हमने थिकर प्लेट से कंपेयर करी, अगर जो मोटी प्लेट है वो 15 mm की है तो जो हम फर्स्ट रन करेंगे वो कितना करेंगे, 5 mm का। अगर जो थिकर प्लेट है वो आपके 10 mm तक की है तो हम जो फर्स्ट रन करेंगे फिलेट वेल्ड का करेंगे 3 mm का। अब मान लो आपकी प्लेट है 20 mm से लेके 32 mm तक, इसमें दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, अब आपकी जो प्लेट है वो अभी उसकी रेंज क्या है, 20 mm से लेके 32 mm तक। अगर आपकी प्लेट 20 mm से 32 mm तक है तो जो हम फर्स्ट रन करेंगे वो करेंगे 6 mm का, इसमें लिख नहीं रहा, थोड़ा ब्लर है, आईएस कोड पुराना है, मैंने एक्चुअली पुराना वाला आईएस कोड लिया, मैं थोड़ा लेटेस्ट भी ले सकता था, मैंने लेटेस्ट नहीं लिया, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है उसकी लैंग्वेज, ये आईएस कोड बहुत पुराना वाला मैंने यूज करा है, लेटेस्ट भी आ चुका है, बट वो लेटेस्ट मैंने जानबूझकर यूज नहीं करा क्योंकि उसका कंटेंट थोड़ा टिपिकल था, तो मैंने जो पुराना इजी था मैंने वही आईएस कोड लिया है, ठीक है, 1900 के दशक का आईएस कोड है, पुराना लिया है, वैल्यू सेम है, पुराना लिया जानबूझकर, ठीक है। अगर प्लेट 10 mm तक की है तो फर्स्ट रन होगा 3 mm होगा, जब प्लेट 10 से 20 mm तक की है तो रन होगा 5 mm होगा, जब प्लेट 20 से 32 mm की है तो जो फर्स्ट रन होगा वो 6 mm का होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर प्लेट 32 mm से लेके, मैं लिख देता हूं, 32 mm से लेके 50 mm तक की है तो जो फर्स्ट रन होता है वो आपका होता है 8 mm का, 8 mm का फर्स्ट रन होता है आपका 8 mm का। ये सारी वैल्यूज वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो पता है क्या पूछेगा कि आपके पास 35 mm की प्लेट है, आपके पास 35 mm की थिक प्लेट है, अब ध्यान से देना कौन सी प्लेट है, थिक, आपके पास 35 mm की थिक प्लेट, आप बहुत ध्यान से देखना, 35 mm की थिक प्लेट है आपके पास। अब देखो रेंज, देखो 32 से 50 रेंज क्या है, कितना होगा,
8 mm. अब आपसे पूछ लेगा था मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होगा, वो आपसे पूछ लेगा इस केस में मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होगा, तो आपको पता है 8 mm, तो आप आंसर लिखोगे 8 mm. सर 8 mm साइज ऑफ वेल्ड, अब ध्यान से देखना, यहां पर अभी मैंने थिकर प्लेट से कंपेयर करा है, अब आप ध्यान से देखो इससे पहले कौन सा मैंने क्या पढ़ा था, कभी भी वेल्ड साइज, अब मान लो आपने दो प्लेट को ज्वाइन करा था 35 mm, 35 mm और 6 mm, आपने दो प्लेट्स को ज्वाइन करा, एक की थिकनेस कितनी है 35 mm और 6 mm, अब ध्यान से देखना आपको, प्लीज बहुत ध्यान से देखना, अभी ये जितने भी फर्स्ट रन की वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी बेस्ड ऑन द थिकर प्लेट, बट इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब देखो अगर मैं थिकर, हमने यहां पर दो प्लेट्स को ज्वाइन करा, एक है 35 mm की एक है 6 mm की, और अगर मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है इस टेबल के अकॉर्डिंग देखूं तो 35 mm के लिए आपको 8 mm की वेल्ड साइज करनी पड़ेगी, अगर मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग चलूं तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको 8, बट जो थिनेस्ट प्लेट है आपको ध्यान रखनी है, अब पहले वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, साइज ऑफ वेल्ड कैन नॉट बी एक्सीडेड बाय थिनर प्लेट, थिनर प्लेट से ज्यादा कभी भी साइज ऑफ वेल्ड नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 35 mm के 8 mm साइज ऑफ वेल्ड आया, बट मेरी जो थिन प्लेट है वो 6 mm की है, तो फाइनली मेरा साइज ऑफ वेल्ड बन जाएगा 6 mm, और इवन 6 mm से भी कम, दोबारा बताऊंगा साइज ऑफ वेल्ड, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कभी भी साइज ऑफ वेल्ड थिनर प्लेट से ज्यादा नहीं होती है, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत टिपिकल टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, पहले हमने क्या पढ़ा, मैं आपको एक थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, आप गाली दो मुझे दोगे कि सर आपने 17 बार बता दिया, बट ध्यान से देखना अगर मैं आपसे साइज ऑफ वेल्ड की बात कर रहा हूँ, अब ध्यान से देना, गाली बाद में देना, गाली बाद में लेंगे, अगर मैं आपसे साइज ऑफ वेल्ड की बात करता हूँ तो साइज ऑफ वेल्ड कभी भी 3 mm से कम नहीं होता, और साइज ऑफ वेल्ड कभी भी 3 mm से कम नहीं होता, और साइज ऑफ वेल्ड कभी भी थिन प्लेट से ज्यादा नहीं होता, फिर हमने थिकर प्लेट के देखे कि अगर थिकर प्लेट से कम करते तो साइज क्या है, अगर मान लो 35 mm की प्लेट ली तो उसका साइज ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट वो 8 mm आएगा, वो क्या आएगा आपका 8 mm आएगा, बट अगर आपने 8 mm से ज्यादा जो थिन प्लेट है वो 6 mm की है, तो फाइनली आपका साइज ऑफ वेल्ड 6 mm बन जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये पूरा लिख लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि सर अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर कोई प्लेट अगर 50 mm से ऊपर की है, अगर कोई प्लेट आपके मन में ये भी तो आ रहा होगा कि सर आप ये आपने हमें बस ओनली 50 mm तक बताया, आपने अभी ओनली 50 mm तक बताया, अगर 50 mm से ऊपर की कोई प्लेट है, ध्यान से देखना, कोई प्लेट 55 mm की है तो उसमें जो फर्स्ट रन होता है वो होता है आपका 10 mm का, 10 mm अबव 50, मैं लिख देता हूं अबव 50 mm प्लेट, द साइज ऑफ फर्स्ट सिंगल रन वेल्ड 10 mm, तो आप ध्यान से देखना, मैं आपको लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, 10 mm तक क्या होगा साइज ऑफ वेल्ड 3 mm, या इस कोड के अकॉर्डिंग है, अगर प्लेट 10 mm तक की है तो 3 mm, फिर 5 mm, ये पूरा लिख दिया, और 50 से ऊपर है तो 10 mm, बट आप ध्यान रखना कि जब 50 mm से ऊपर की प्लेट होती है, देखो होता क्या, ध्यान से देखना, जब तक 50 mm की प्लेट नहीं है तो आपको दोनों मेंबर्स को गर्म, देखो ध्यान से देखना, ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, फिलेट वेल्ड मेरे को करना है, अगर ये दोनों थिकनेस थिकर प्लेट जो 50 mm तक की है तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेकर नहीं रखने, बट मान लो 55 mm की प्लेट है तो हमें दोनों मेंबर्स को हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं प्री हीटिंग, तो 50 mm के ऊपर आपसे कोई पूछने नहीं वाला, अगर पूछे तो 10 mm बोल देना, बट आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई प्लेट 50 mm से ज्यादा की है तो आपको मेंबर्स को पहले गर्म, देखो 50 mm तक तो हम मेंबर्स को गर्म नहीं करते, डायरेक्ट वेल्डिंग मारते हैं, बट अगर 50 mm से ज्यादा है तो हमें स्पेशली प्री हीटिंग मेंबर्स की करनी पड़ती है ताकि अच्छे से वेल्ड हो जाए, 50 mm तक मेंबर्स को, 50 mm तक हम डायरेक्ट वेल्डिंग करेंगे, 50 mm के बाद हम मेंबर्स को भी गर्म करेंगे और फिर उनके अंदर वेल्डिंग करेंगे, पूरा पूरा लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मैं सेकंड पानी पी लूं, अच्छा प्यास, या चलो इस टॉपिक के बाद पीऊंगा अभी पीला, ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो हम मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात कर रहे थे इस वाले पॉइंट में, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, ठीक है, अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखो इस फिगर पे आओ,
इस फिगर की हम बात करें तो ये जो हमारा ये वाला फेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला फेस क्या है, दिस इज वेल फेस। कल को जब देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं आपको, मुझे इस वेल पर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, मुझे इस वेल का स्ट्रेस, क्योंकि देखो अगर हम ये बात करें कि वेल्डिंग में कितनी ताकत है तो हम ये देखेंगे कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि मान लो कल को इस पर कोई फोर्स लगना है, कल पर इसको कल में इस, कल इस पर कोई फोर्स लगना है, तो क्या आपकी वेल्ड जो है वो फोर्स को झेल पाएगी, बियर कर पाएगी? तो आप बोलोगे उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वेल्ड का स्ट्रेस कैलकुलेट करूंगा, मैं वेल्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा। हम वेल्ड का अभी तक मैंने आपको बस ओनली स्पेसिफिकेशन पढ़ा है, जैसे ही टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, बट वेल्ड भी पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने आपको बट वेल्ड में भी स्ट्रेस नहीं पढ़ा है, फिलेट वेल्ड में भी स्ट्रेस नहीं पढ़ा है कि इसके अंदर कितना स्ट्रेस जनरेट होगा। जब स्ट्रेस जनरेट होगा दोनों में तो हम स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे और ये देख लेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स मेंबर के ऊपर लगने वाला है वो हमेशा इससे कम होना चाहिए। That means strength of weld should always be greater than the applied load. Applied load की वजह से कितना? That means एक external force है या applied force है? आपका एक applied force है, external. ये जो applied force है इसकी वजह से external stresses generate होते हैं, external stresses generate होते हैं। अब ये जो external इस external force की वजह से जो external stresses generate हुए वो हमेशा अपने वेल्डिंग के स्ट्रेस से, दैट मींस स्ट्रेस जो बट वेल्डिंग और फिलेट वेल्डिंग में जनरेट हो रहा है, आपका स्ट्रेस जो बट वेल्डिंग और फिलेट वेल्डिंग में जनरेट हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आते हैं वो हमेशा कम होने चाहिए। अगर ये फोर्स के स्ट्रेसेस ज्यादा हो गए इंटरनल स्ट्रेसेस से तो मेंबर की वेल्डिंग टूट जाएगी। अब आप ध्यान से देखना। तो फाइनली आप बोलोगे सर आपने ये टॉपिक हमें क्यों बताया? ये टॉपिक मैंने आपको भाई साहब इसलिए बताया कि अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स को हमारे वेल्डिंग के इंटरनल जो स्ट्रेस की वजह से हमारे मेंबर के एक्सटर्नल फोर्स को मेंबर में स्ट्रेस जनरेट हुआ और मेंबर में इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ, बचाने वाला फोर्स। तो फोर्स की जब बारी आती है और अगर मैं बोलूं कि मैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर लूंगा और स्ट्रेस से मुझे फोर्स कैलकुलेट करने हैं, देखो एक तो होता है एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगता है, एक होता है हमारे मेंबर स्ट्रेस के कारण इंटरनल फोर्स डेवलप करता है जो इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। वो देखे रामायण में तीर चलते हैं इस तरीके से, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स और ये हो गया आपका इंटरनल फोर्स। वैसे ना देखो मैंने एक बार सुनी है रामायण तो बहुत आ चुकी है, बट जो पहले नहीं थी डी डी वन पर वो उस रामायण की यार बात सबसे बेस्ट है। मतलब अभी अभी वीएफएक्स एफएक्स आ चुके हैं रामायण में, नई नई रामायण आती है, बट जो सबसे पहले की शायद रामानंद सागर की है वो सबसे बेस्ट बनाते हैं यार। वो मैंने आज तक देखी नहीं, बचपन में देखी थी तो याद नहीं, अभी एक बार देखूंगा यार मैं रामायण जब टाइम मिलेगा। ठीक है, तो जब ही देखने का मूड बने ना आपका तो डी डी वन वाली देखना, डी डी नेशनल जो है ना उसकी सबसे बेस्ट। ठीक है, तो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर मैं आपसे बात करूं इंटरनल फोर्स की, अगर मैं आपसे स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? हमें इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करना है, भाई साहब हमें इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस कहीं ना कहीं मुझे वेल्ड का एरिया चाहिए होगा। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमें वेल्ड का एरिया चाहिए होगा और एरिया में आप सारी बातें समझ रहे हो, मैं लिंक कर रहा हूं। हमें एक्सटर्नल फोर्स को अपने इंटरनल फोर्स से रिलेट करना है, एक्सटर्नल फोर्स तो पता लग जाएगा कितना है, बट इंटरनल फोर्स के लिए मुझे वेल्ड का एरिया चाहिए होगा। अगर मैं आपसे वेल्ड के एरिया की बात करूं तो एरिया तो हमेशा दो डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन होता है। एरिया क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डायमेंशन, जिसमें से एक डायमेंशन मेरे पास क्या है? साइज। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात कि हमें इंटरनल स्ट्रेस फाइंड करना है, हमें इंटरनल फोर्स फाइंड करना है जो कि एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे वेल्ड का एरिया चाहिए होगा और वेल्ड का एरिया होता है साइज इनटू, अभी मैं आपको रफ बता रहा हूं, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस।
ये मैंने आपको अभी रफ टाइम लिख दिया, एक्जेक्टली फॉर्मूला नहीं होता, बस समझाने के लिए लिख दिया कि अगर मुझे वेल्ड का एरिया फाइंड करना है तो वेल्ड के भी मुझे दो डायमेंशन चाहिए होंगे, एक साइज, साइज तो मुझे पता लग चुकी है साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, वो सर ने बता दिया, बट सेकंड टर्म क्या है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। तो दैट मीन्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया, फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेस, वी हैव टू स्टडी वन मोर पैरामीटर टर्म्ड एज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। साइज कंप्लीट करा दिया, अब इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर इस वेल्ड की मैं पानी पीऊं प्लीज, अब मुझे प्यास लगने लगी है, एक सेकंड अभी रुकी जाएगी क्योंकि टॉपिक बड़ा है, चालू करते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो मुझे आपको समझ में आ गया कि अगर आपको एरिया फाइंड, ये एक्चुअली ये फॉर्मूला होता नहीं है, मैंने आपको रफ एस्टिमेट लिए बता दिया कि हाँ कैसे कैसे होता है। अच्छा एक डाउट हो रहा है बच्चों में, मेरे कुछ स्टेज टू के सब्जेक्ट में हर एक में दो दो यूनिट छुट्टी हुई है। अगर आपसे बीएमसी की बात करूं तो सीमेंट कंक्रीट, बीएमसी हमारा कंप्लीट है बट उसमें सीमेंट कंक्रीट के क्वेश्चंस छूटे हुए हैं। अगर मैं आपसे सर्वे की बात करूं तो सर्वे में भी हमारा कर्व्स छूटा हुआ है। तो अभी जो एक दो यूनिट छूटी हुई है ट्रांसपोर्टेशन की, है ना, सब में एक दो, अब उन एक दो यूनिट को कंटिन्यू करने वाला हूं। एक दो यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे 3 से 4 दिन में, जब मैं से क्वेश्चन करा दूंगा, मैं आपको बीएमसी के कंक्रीट और सीमेंट के क्वेश्चन चालू करा दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिले हो रहा है बट हो जाएगा ठीक है। सर्वे आप बस मुझे बता देना, सर्वे और ट्रांसपोर्टेशन में पहले कौन सा चालू करना है, सर्वे करना है ट्रांसपोर्टेशन करना है, क्योंकि बीएमसी 300% स्टार्ट करूंगा मैं। अब आप सर्वे और ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा स्टार्ट करना है मुझे बता देना, सर्वे ट्रांसपोर्टेशन में, और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं चालू करूंगा एस्टिमेशन, एस्टिमेशन स्टार्ट करूंगा ठीक है, चालू करता है। इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये वेल्ड फेस होता है ये वाला, और अगर इस फिगर की मैं बात करूं तो ये जो कोने वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट। आप दो चीज याद रखना, वेल्ड फेस एंड रूट, इधर आ जाओ। सबसे पहली बात अगर हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात करते हैं, देखो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिस पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा जनरेट हो, ध्यान से आप देखना। अब इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या था, उसके लिए पहले मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा, आ जाओ बता। देखो दो चीजें होती है, एक होती है थ्योरेटिकल, देखो ध्यान से, दो टर्म्स होती है, एक होती है थ्योरेटिकल, या फिर मैं इस डायग्राम में आपको दिखाता हूं ठीक है। ठीक है, आपको क्या क्या दिख रहा है यहां पर इस डायग्राम पर, सबसे पहले ये क्या है, ये सर ये वेल्ड फेस होता है, लिख देता हूं वेल्ड फेस है सर, और ये क्या है सर, ये तो रूट एंड रूट इन्होंने लिखा हुआ है, ये लेग लेंथ होती है आपको पता है, ये तो अभी आपको पता है। अगर मैं यहां पर ये लाइन खींच दूं, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, किसको किसको ज्वाइन करा मैंने सर, वेल्ड फेस से आपने रूट पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, सर वेल्ड फेस से आपने रूट पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। आप देख लो ध्यान से, अब अगर हम बात करें, हमने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड, कॉनकेव फिलेट वेल्ड एंड माइटर, हमने तीन टाइप ऑफ शेप पढ़ी थी वेल्ड की, कौन कौन सी होती है, कॉनकेव होती है, कॉन्वेक्स होती है, और तीसरी कौन सी होती है, माइटर। अब अगर मैं कॉन्वेक्स फिलेट की बात करूं, आप ध्यान से देखना तभी मजा आएगा, तो कॉन्वेक्स की देखो शेप कैसी होती है, कुछ ऐसी, ये कॉन्वेक्स की शेप है आपकी, और अगर कॉनकेव की बात करूं तो आपकी कॉनकेव की शेप कुछ ऐसी होती है, कॉनकेव की शेप ऐसी है, कॉन्वेक्स की शेप ऐसी है। अब आपने पता है कि आपको वेल्ड फेस से रूट पर, दोनों की रूट क्या है, दोनों की रूट सर ये रूट सर, दिस इज रूट, दिस इज रूट। अब यहां से देखना, अगर मैं आपने बात पता है कि जितना भी सर वेल्ड हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमने वेल्ड फेस से लेकर रूट पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसे हम थ्रोट थिकनेस बोलते हैं।
बट थ्रोट थिकनेस दो टाइप की होती है, एक होती है एक्चुअल थ्रोट थिकनेस, दूसरी होती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। अब इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या है सर? अब ध्यान से देखना, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। इस केस में देखो, केस नंबर वन, केस नंबर टू, केस नंबर थ्री, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस का क्या एक्चुअली आप में प्रॉब्लम क्या? आप पूरा स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ ले तो आपको ये पता नहीं था कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आप कैलकुलेट क्यों करते हैं। अरे एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एरिया कैलकुलेट होगा तभी तो फोर्स जनरेट होगा। पूरे स्टील में आप इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पढ़ ले तो, बट हमें पता नहीं लगता कि हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पढ़ते क्यों, इसलिए पढ़ते ताकि हम एरिया फाइंड कर सके वेल्ड का, और एरिया फाइंड करना तभी उसके अंदर फोर्स फाइंड होगा, क्योंकि स्ट्रेस तो फाइंड हो जाता है, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा उसके अंदर, इसलिए हम इंटरनल फोर्स आ जाएगा जो कि एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगा। ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है? आप अगर मैं देखो लाइंस खींचूंगा, आप लाइन ध्यान से देखना, ये जो वेल्ड फेस है भाई, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वेल्ड फेस है यहां पर, यहां से लेके और ये आपका रूट है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस नहीं होती, क्योंकि इसका देखो पेनिट्रेशन है यहां पे, अगर आप देखोगे यहां पे तो वेल्ड का पेनिट्रेशन है मेंबर के अंदर, डीप पेनिट्रेशन नहीं है बट हाँ पेनिट्रेशन है, और अगर आप यहां पर देखोगे यहां पर तो कोई पेनिट्रेशन, देखो यहां पर मेंबर के अंदर वेल्डिंग का पेनिट्रेशन है बट यहां पर वेल्डिंग का पेनिट्रेशन नहीं है। ध्यान से देखना, अब मैंने क्या करा, वेल्ड फेस से लेके जो रूट है वहां तक की आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली, इसको हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस नहीं बोलते, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्चुअल थ्रोट। अब अगर मैं आपसे इफेक्टिव की बात करूं, ध्यान से देखना, तो यहां पर जहां पर ये वेल्ड खत्म हो रहा है, देखो ध्यान से, जहां पर ये आपका वेल्ड खत्म, देखो मैं दूसरा पेंसिल लेता हूं, ब्राउन से लेता हूं, ये वेल्ड यहां पर खत्म हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डाल दूंगा, देखो ना इस मेंबर पे वेल्ड यहां पर खत्म हो रहा है, इस वेल्ड यहां पर खत्म हो रहा है, टो जो है हमारा। अब इस लाइन से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। देखो तीन टाइप की थिकनेस है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, एक्चुअल थ्रोट थिकनेस एंड थ्योरेटिकल थ्रोट, समझो मेरी बात। तो अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं तो हमारी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होती है, हमने इन दोनों एंड पर परपेंडिकुलर डाला और उससे हम यहां तक जो डिस्टेंस लेकर आएंगे, देखो अगर मैं इस फेस से डिस्टेंस लेकर आता हूं, इस फेस से लेके यहां तक की, इस फेस से लेके यहां तक डिस्टेंस लेकर आऊंगा तो ये एक्चुअल थ्रोट थिकनेस है, बट इफेक्टिवली अगर ये हम हमेशा देखो ये कॉनकेव भी आ रहा है, यहां पर परपेंडिकुलर डाला, यहां पर परपेंडिकुलर, ये देखो ध्यान से, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बनेगी आपकी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। अगर हम इस माइटर वाले केस की बात करते हैं तो यहां पर पेनिट्रेशन नहीं है, यहां पर सिंपल सी चाहे एक्चुअल हो, अगर इस बारे में बात करूं ना मैं तो एक्चुअल और इफेक्टिव यहां पर दोनों इक्वल है, क्योंकि ना पेनिट्रेशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, आप समझ सकते हो मेरी बात। बट अगर हम ऐसे केस की बात करते हैं जिसमें पेनिट्रेशन हो रहा है तो हम कहेंगे हमेशा दोनों फेस में परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डालने के बाद डिस्टेंस होगी रूट तक, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, वेल्ड फेस से नहीं, वेल्ड फेस के परपेंडिकुलर से। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसको चाहो तो एक बार ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, आप इसको ड्रॉ कर लो। ये वैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जब प्लेट वेल्ड की स्टार्टिंग करी थी तब भी ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, अभी भी पढ़ा हुआ। अब आप ध्यान से देखना, तो आपको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ठीक है? नाउ अब पढ़ो, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कभी भी 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ अ वेल्ड शैल नॉट बी लेस, मैं रेपिट करता हूं इस पर, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए फिलेट वेल्ड शैल नॉट बी लेस देन 3 mm। कभी भी 3 mm से ज्यादा इफेक्टिव, अगर हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात करें तो कभी भी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए, कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करें सर मैक्सिमम कितना चाहिए, 0.7 टाइम्स ऑफ टी, व्हाट इज टी, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, वेयर इज टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, जो भी थिनर मेंबर है उसकी आप थिकनेस ले लो, उसका 0.7 टाइम्स कर लो,
क्या कर लो उसका 0.7 टाइम्स कर लो, जो भी मेंबर की थिकनेस है थिनर मेंबर की उसका 0.7 टाइम्स कर लो, जो वैल्यू है उससे ज्यादा कभी भी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस नहीं रखी जाती। तो आई होप अगर हम आपसे मैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के बारे में पूछूं कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्यों कैलकुलेट करी जाती है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ वेल, फॉर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ साइज नहीं एरिया ऑफ वेल। और अगर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात करें तो वो कभी भी 3 mm से ज्यादा नहीं होनी, 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और 0.70, व्हाट इज 0.70, जो भी थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है उसकी थिकनेस से कम नहीं, मतलब उससे ज्यादा नहीं, कम और ज्यादा, कम तो 3 mm, ज्यादा कितना है 0.7 टाइम्स ऑफ 3 नहीं होनी चाहिए। रेड में जितना टिक करा है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखो कहानी क्या, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि फिलेट वेल्ड में कुछ ना कुछ एंगल होता है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस करा था कि फिलेट वेल्ड में कुछ ना कुछ एंगल, क्या एंगल हो सकता है, 60 से 90 डिग्री हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला था कि फिलेट वेल्ड का एंगल कभी भी 120 से ज्यादा नहीं होता है। अगर आप देखोगे फिलेट वेल्ड का एंगल तो 60 से कम नहीं चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम उस किस वेल्ड को फिलेट वेल्ड मानेंगे जब एंगल 60 से कम ना हो और 120 से ज्यादा ना हो, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फिलेट वेल्ड किस टाइप, फिलेट वेल्ड किसको बोला जाता है। फिलेट वेल्ड हम उस वेल्ड को बोलेंगे जब दोनों मेंबर्स के जो बीच का एंगल है वो 60 से कम ना हो और 120 से ज्यादा ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, मैं लिख कर दूंगा। A fillet weld is no use for joining parts if the angle between fusion faces is greater than, that means हम कभी भी उन दो members के लिए fillet weld use नहीं करेंगे जिनका angle 120 से ज़्यादा है और 60 से कम है। बहुत ही ज़्यादा important topic ये है, ठीक है। तो हम effective throat thickness के बारे में पढ़ रहे थे, आप ध्यान से देखना ये बहुत ही ज़्यादा important है। अब अगर हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात करें तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेस कैलकुलेशन। अभी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया। हम फिलेट साइज से, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, अगर मैं आपसे इफेक्टिव, देखो इफेक्टिव इसमें लिखता हूं, इसमें लिखता आगे लिख रहा हूं मैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई बाय फिलेट साइज। जो भी फिलेट साइज है, मतलब साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है, इसकी हेल्प से भी हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा साइज है, क्या साइज है, फिलेट साइज, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड तो हमने पढ़ लिया। अगर मैं इसको कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो कॉन्स्टेंट ये रहा, ये बहुत तगड़ा ऑब्जेक्टिव है। वेल्डिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं फास्टनेस यूनिट की बात करूं तो ये सबसे बड़ी यूनिट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आप टेंशन मेंबर पढ़ाओगे, अरे मैक्सिमम 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सर आप कंप्रेशन मेंबर पढ़ाओगे, सर 5 लेक्चर में कंप्लीट, सब 5-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए बच्चे की स्टील कंप्लीट नहीं होती। क्यों, अगर मैंने इस यूनिट में भी टाइम नहीं दिया, होता क्या, स्टील स्ट्रक्चर्स की कहानी क्या है। आप यूनिट नंबर 1 पर, पहली बात तो ये यूनिट नहीं होती, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स होती है, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, लिमिट स्टेट क्या है, वर्किंग स्ट्रेस क्या है, वो यूनिट नंबर 1 होती है, वो आपको समझ में नहीं आती। फिर अभी सारे यूनिट पर आते हो, ये यूनिट भी समझ में नहीं आती, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम अपना बेस ही तैयार करते हुए चलेंगे कि आपको कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है भाई, सिंपल सी बात, ध्यान रखना, ठीक। तो अगर मुझे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करनी है तो बाय यूजिंग फिलेट साइज, हम फिलेट साइज को एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हमें इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मिल जाएगी। और ये आपको बहुत ध्यान से रखना, देखो दो मेंबर्स हैं, अगर उन दो मेंबर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री से 90 डिग्री है तो वो कांस्टेंट क्या बनता है, 0.70। ये पूरा 20 स्टार टॉपिक है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। ये कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है कि अगर दो मेंबर्स के बीच का एंगल, पहली बात तो ये कांस्टेंट क्या है, बाय यूजिंग फिलेट साइज, बाय यूजिंग, देखो For the purpose of stress calculation, the effective throat thickness shall be taken as k multiplied by fillet size, where k is constant, it depends on the angle between two members. ये k एक angle, एक constant होता है जो कि members के angle के ऊपर depend होता है, ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, k into fillet size। अभी constant की बात क्या है, अगर इस constant की बात करूं, अगर आपके दो members में उनके बीच का angle 60 degree से 90 degree है तो जो कांस्टेंट वो क्या बनता है, 0.70।
अगर आपके दो मेंबर्स हैं जिनका एंगल 91 से 100 डिग्री है, 91 से 100 तो ये कांस्टेंट बनता है 0.65। अगर दो एंगल दो मेंबर्स के बीच का एंगल 101 से लेके 106 डिग्री है तो ये कांस्टेंट बनता है 106 बोला मैंने 0.60। अगर 107 से 113 है तो 0.55, 114 से 120 है तो 0.50। अब आपसे पता है क्या पूछेगा, मैं बताता हूं आपको, वो बोलेगा कि दो मेंबर्स के बीच का एंगल 108 डिग्री है, दो मेंबर्स के बीच का एंगल 108 डिग्री, तो बताओ कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द एंगल आपको सारी कांस्टेंट की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो आप ये लिख लो। अब मैं इसके बाद अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा आगे का टॉपिक। टेक केयर, बाय।